बज रहे लगभग, इसीलिए मैं कॉफ़ी पी रहा हूँ। आज पानी लेके आना भूल गया, पर आप मत भूलना #stayhydrated। एनीवे, हे गाइस, हर्ष हियर और आपका स्वागत है टेक्नोलोम हिंदी पे। बहुत दिनों से मैंने इस चैनल पे कोई वीडियो अपलोड नहीं किया है क्योंकि कोई सॉलिड आइडिया नहीं आ रहा था, पर कल मुझे एक बहुत ही अच्छा आइडिया आया और मैंने सोचा चलो इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। तो आज का वीडियो थोड़ा अलग है। आज हम बात करने वाले हैं टॉप टेक गिफ्ट आइटम्स, जो कि है रक्षाबंधन स्पेशल। तो अब 3 अगस्त को रक्षाबंधन आ रहा है और सब भाइयों की जेब कटने वाली है क्योंकि रक्षाबंधन है और बहुत ही एक प्यारा सा त्यौहार है। मुझे बहुत मज़ा आता है मेरी बहनों को गिफ्ट देने में, कभी कभी थोड़ा लेट हो जाता हूँ पर गिफ्ट देने में मज़ा आता है, और स्पेशली अगर टेक्नोलॉजी का गिफ्ट होगा तो मुझे ज़्यादा मज़ा आता है। इसीलिए मैं सोचा कि मैं एक गाइड बनाऊंगा ताकि आप लोग को भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके कि अगर टेक प्रोडक्ट गिफ्ट करना है तो कौन सा गिफ्ट करना चाहिए और क्या क्या ऑप्शंस है अवेलेबल। ट्रस्ट मी, आप वीडियो एंड तक देखिए, और ऐसे 2-3 तो प्रोडक्ट ज़रूर होंगे इस लिस्ट में जो आपने ना तो कभी सुने होंगे और आपको लगेगा भाई ये तो बहुत ज़बरदस्त है, लेना ही चाहिए। इसीलिए वीडियो एंड तक देखना, और एंड में आप सबके लिए एक छोटा सा सरप्राइज भी है, तो एंड तक वीडियो ज़रूर देखना। अब मैंने इन प्रोडक्ट्स को डिवाइड किया है कैटेगरी वाइज। पहली कैटेगरी है ऑडियो। अब पहला प्रोडक्ट इस कैटेगरी में है ब्लूटूथ स्पीकर। 2000 रुपये की रेंज में मेरे हिसाब से लॉजिटेक X50 एक बहुत ही बढ़िया ब्लूटूथ स्पीकर है। साउंड क्वालिटी काफ़ी तगड़ी है, बिल्ड क्वालिटी सही है, लॉजिटेक का ब्रांड वैल्यू है, वो ब्रांड नेम है। मैंने पर्सनली 2 साल ये स्पीकर यूज़ किया है, अब नहीं है मेरे पास, पर 2 साल मैंने ये स्पीकर यूज़ किया था और एक बहुत ही ज़बरदस्त स्पीकर है। तो 2000 रुपये के प्राइस रेंज के लिए स्पीकर का रिकमेंडेशन है लॉजिटेक X50। अब नेक्स्ट प्रोडक्ट इस कैटेगरी में है नेक बैंड ईयरफोन्स। नेक बैंड ईयरफोन्स का सजेशन बहुत ही ईजी है, वन प्लस बुलेट्स वायरलेस जी काफ़ी बैलेंस्ड ईयरफोन्स है। साउंड क्वालिटी बैलेंस्ड है, बैटरी लाइफ तगड़ी है, फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट है, वन प्लस का ब्रांड नेम है, और 2000 रुपये के लिए नेक बैंड ईयरफोन्स में मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही अच्छा परचेस है। फन फैक्ट, आप 200 रुपये बचा सकते हो इस प्रोडक्ट पे अगर आप मेरा रेफरल लिंक यूज़ करोगे। तो डोंट वरी, उसका लिंक दे दूंगा मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वो रेफरल लिंक यूज़ करके 200 रुपये बचा सकते हो। अब नेक्स्ट प्रोडक्ट है TWS ईयरफोन्स। TWS मतलब ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स, कोई भी वायर नहीं, छोटे से डब्बे में आते हैं, और 2000 रुपये की प्राइस रेंज में 2 ऐसे प्रोडक्ट्स हैं। पहले है रेडमी ईयरबड्स जो 1800 रुपये के लिए आते हैं और बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है शाओमी की तरफ से, तो मेरे हिसाब से रेडमी ईयरबड्स काफ़ी वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है। सेकेंड रिकमेंडेशन TWS में है रियलमी बड्स क्यू 2000 रुपये के लिए आते हैं, और इस प्राइस पॉइंट के लिए ये TWS ईयरफोन्स काफ़ी तगड़े हैं और आप डेफिनेटली इन्हें परचेस कर सकते हो। यहाँ पर मैं एक स्पेशल मेंशन देना चाहूँगा ओप्पो एनको W11 ईयरफोन्स को, ये भी काफ़ी तगड़े ईयरफोन्स है, 2500 रुपये के आते हैं, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। ये सारे थे वायरलेस ऑडियो। व्हाट अबाउट वायर्ड ऑडियो? मेरे हिसाब से वायर्ड ऑडियो अभी भी बेटर है वायरलेस ऑडियो से, क्योंकि साउंड क्वालिटी वे बेटर होती है और आपको उन्हें चार्ज भी नहीं करना पड़ता है, इसीलिए वायर्ड ऑडियो बेटर है। और वायर्ड ईयरफोन्स में मेरा सजेशन है सेनहाइजर CX275S। ये ईयरफोन्स साउंड क्वालिटी के मामले में बहुत ही बढ़िया है, माइक्रोफोन भी आता है, पबजी के लिए लेटेंसी भी कम है, और ओवरऑल एक बहुत ही तगड़ा प्रोडक्ट है सेनहाइजर की तरफ से। तो वायर्ड ईयरफोन्स में मेरा रिकमेंडेशन होगा सेनहाइजर CX275S। चलो अब आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट कैटेगरी है वर्क फ्रॉम होम। आजकल सब लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और इस सिचुएशन में एक होम ऑफिस का सेटअप होना बहुत ज़रूरी है। तो उस होम ऑफिस के लिए 2-3 ऐसी इसेंशियल चीज़ें हैं जो शायद आपको पता नहीं होगी, पर जब आप देखोगे आपको लगेगा भाई ये तो बहुत बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही सस्ता है। पहला है फ़ोन होल्डर। तो जब आप लैपटॉप पे काम करते रहते हो और आपका फ़ोन साइड में पड़ा हुआ रहता है, एक फ़ोन होल्डर होना बहुत ज़रूरी है आपके डेस्क पे। तो 2-3 ऐसे फ़ोन होल्डर्स है। पहला जो है वो 150 रुपये का है और काफ़ी सस्ता और काफ़ी बढ़िया प्रोडक्ट है, तो अगर आपको ज़्यादा स्पेंड नहीं करना है तो आप 150 रुपये का ले सकते हो। ये तो आप एक्स्ट्रा भी दे सकते हो विथ सम अदर गिफ्ट। अब इसके अलावा एक और फ़ोन होल्डर है जिसमें आप एंगल वगैरह चेंज कर सकते हो, जो कि आता है 650 रुपये का। वो भी काफ़ी बढ़िया फ़ोन होल्डर है और टैबलेट होल्डर भी है अगर आपको यू नो एंगल वगैरह चेंज करना है तो। नेक्स्ट प्रोडक्ट है एक पावर स्ट्रिप। अब इसका नाम काफ़ी लंबा है,
ये है एक LifeTech PS06 पावर स्ट्रिप। इसमें एक बहुत बढ़िया बात यह है कि इसमें 6 USB पोर्ट है और 3 नॉर्मल सॉकेट्स है। तो अगर आपको बहुत सारी चीज़ें चार्ज करनी है, जैसे कि आपका लैपटॉप, आपके स्पीकर्स, आपका मॉनिटर अगर कोई है तो, आपका स्मार्टफोन, आपका टैबलेट या जो भी है, आप सब कुछ चार्ज कर सकते हो इस एक पावर ब्रिक पे या पावर स्ट्रिप पे। तो 3 आउटलेट है और 6 USB पोर्ट है, इसीलिए ये एक बहुत ही इसेंशियल प्रोडक्ट है। अब नेक्स्ट प्रोडक्ट उन फोन्स के लिए है जो वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करते हैं। अगर आपके फ़ोन में वायरलेस चार्जर का सपोर्ट है तो आप ये फ़ोन स्टैंड ले सकते हो जो कि एक वायरलेस चार्जर भी है। ये लगभग 2000 रुपये का आता है, फास्ट वायरलेस चार्जिंग है और स्टैंड भी है। तो ये एक 2-in-1 प्रोडक्ट है और काफ़ी बढ़िया है। मैं खुद मेरे डेस्क पे यूज़ करता हूँ लगभग 2 साल से और मस्त प्रोडक्ट है। तो अगर आपका फ़ोन वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करता है, ये स्टैंड आपको ज़रूर लेना चाहिए या तो फिर गिफ्ट देना चाहिए। अब लास्ट प्रोडक्ट इस कैटेगरी में है एक डेस्क लैंप। इनफैक्ट एक नहीं, 2-3 डेस्क लैंप। विप्रो जो कंपनी है वो काफ़ी बढ़िया डेस्क लैंप बनाते हैं और उनके 2-3 वेरिएंट है। अगर आपको नॉर्मल चाहिए, अलग अलग कलर्स चाहिए, थोड़ा वार्म चाहिए, थोड़ा कूल चाहिए, जो भी है उनके 2-3 अलग अलग प्रोडक्ट्स हैं। मैंने पर्सनली विप्रो के डेस्क लैंप यूज़ किए हैं और क्वालिटी के मामले में काफ़ी बढ़िया लैंप्स है विप्रो के, तो डेफिनेटली आप उन लैंप्स को कंसिडर कर सकते हो। नेक्स्ट कैटेगरी है स्मार्ट होम। स्मार्ट होम के जो प्रोडक्ट्स हैं वो धीरे धीरे सस्ते होते जा रहे हैं और अभी काफ़ी सारे लोग स्मार्ट होम के प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं और अपने घर में लगा सकते हैं। अब इस कैटेगरी में पहला प्रोडक्ट है एक स्मार्ट प्लग। ये स्मार्ट प्लग इसेंशियली एक नॉन स्मार्ट प्लग को स्मार्ट बना देगा। तो अगर आप ये प्लग आपके घर पर लगाते हो और उसमें समझो AC लगाते हो या फ्रिज लगाते हो या TV लगाते हो, तो वो एक स्मार्ट अप्लायंस बन जाएगा। आप वो प्लग आपके स्मार्टफोन से कंट्रोल कर सकते हो, जैसे कि गूगल असिस्टेंट, अलेक्सा या तो एक स्मार्टफोन ऐप भी मिलेगा और आप उस ऐप या तो वॉइस असिस्टेंट से उस प्लग को ऑन ऑफ कर सकते हो, टाइमर लगा सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। इसेंशियली एक नॉर्मल सी चीज़ को स्मार्ट में कन्वर्ट कर सकते हो, जो कि मेरे हिसाब से एक बहुत ही कूल गिफ्ट है और सबको पसंद आना चाहिए। स्मार्ट होम प्रोडक्ट्स बहुत ही कूल होते हैं और गिफ्ट के लिए बेस्ट होते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट इस लिस्ट में है एक स्मार्ट बल्ब। तो ये बल्ब जो है वो काफ़ी सारे कलर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। मुझे लगता है कुछ तो मिलियंस में कलर्स है जो वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे कि रेड, ग्रीन, टील, ऑरेंज, जो कलर चाहिए वो कलर आप सेट कर सकते हो। तो अकॉर्डिंग टू योर मूड आप कलर चेंज कर सकते हो और काफ़ी एक मूडी लाइटिंग सा एनवायरनमेंट बन जाता है। मैं खुद काफ़ी सारे RGB लाइट्स यूज़ करता हूँ जो कि स्मार्ट है और एक बहुत ही कूल गिफ्ट है। तो अगर कोई स्मार्ट होम में एंट्री करना चाहता है स्मार्ट होम प्रोडक्ट्स में, तो स्मार्ट प्लग प्लस स्मार्ट बल्ब इज़ अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट प्रोडक्ट थोड़ा सा महंगा है पर ट्रस्ट मी वर्थ इट है। ये है मी बेडसाइड लैम्प। तो मी बेडसाइड लैम्प एक स्मार्ट लैम्प है जिसमें बहुत सारे कलर्स है और बहुत सारे डिमिंग मोड्स भी है। तो काफ़ी डिम भी होता है, काफ़ी ब्राइट भी होता है और एक बढ़िया एक्सेसरी है कोई भी रूम को कंप्लीट करने के लिए। तो जैसे कि इसका नाम है बेडसाइड लैम्प, बेड के साइड टेबल पे ये लैम्प लगा सकते हो या तो डेस्क पे या तो किधर भी लगा सकते हो और बहुत कूल दिखता है ये लैम्प। अगेन स्मार्ट होम प्रोडक्ट है और काफ़ी कूल है, काफ़ी वार्म भी हो सकता है अगर आपको उसे वार्म करना है तो ऐप से आप वार्म कर सकते हो। चलो अब नेक्स्ट कैटेगरी है कंटेंट क्रिएशन। अगर आपकी बहन या आपका भाई कंटेंट क्रिएशन में है, जैसे कि इंस्टाग्राम वीडियोस, टिकटॉक वीडियोस, इंस्टाग्राम रील्स या तो फिर यूट्यूब वीडियोस या कुछ भी कंटेंट क्रिएशन करते हैं, तो ये कैटेगरी उन लोग के लिए है। उसमें पहला प्रोडक्ट है एक स्मार्टफोन का ट्राईपॉड। ये बहुत ही ज़रूरी प्रोडक्ट है अगर आप कोई भी कंटेंट क्रिएशन काम करते हो। तो कंटेंट क्रिएशन के लिए स्मार्टफोन ट्राईपॉड होना बहुत ज़रूरी है और ये ट्राईपॉड सस्ता है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी है और एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है। अब ट्राईपॉड के अलावा जो सेकंड इसेंशियल चीज़ है वो है एक माइक्रोफोन। माइक्रोफोन के लिए मैं रेकमेंड करूँगा बोया M1। ये माइक्रोफोन यूनिवर्सली बहुत ही अच्छा माइक्रोफोन है और 1000 रुपये के लिए बेस्ट माइक्रोफोन है। ऑडियो क्वालिटी काफ़ी ज़बरदस्त है और आप बोया का M1 ज़रूर ले सकते हो। ये माइक्रोफोन आप वर्क फ्रॉम होम के लिए भी ले सकते हो, जूम कॉल्स वगैरह के लिए, और आपकी ऑडियो क्वालिटी जो है वो नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगी। तो डेफिनेटली बोया का M1 देखना, बहुत ही बढ़िया माइक्रोफोन है। नेक्स्ट प्रोडक्ट इस कैटेगरी में है स्मार्टफोन के लेंसेज। तो स्मार्टफोन से अगर कोई वीडियो शूट करता है तो उन लोग के लिए लेंसेज एक हेल्पफुल चीज़ है। वाइड एंगल लेंस है, मैक्रो लेंस है,
2x टेलीफोटो लेंस है, एनामॉर्फिक लेंसेज भी है। ये सारे लेंसेज एक कंपनी के है जिसका नाम है स्काईविक। अब स्काईविक के प्रोडक्ट्स में काफ़ी समय से यूज़ कर रहा हूँ और बहुत ही हेल्पफुल प्रोडक्ट्स है ये स्मार्टफोन लेंसेज, तो डेफिनेटली आप इन सब लेंसेज को देख सकते हो और यूज़ केस के हिसाब से आप जो लेंस चाहिए वो ले सकते हो एज अ गिफ्ट। ऑलराइट, अब नेक्स्ट कोई कैटेगरी नहीं है, एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है मी बैंड 4। मी बैंड 4 एक बहुत ही बढ़िया गिफ्ट है फिटनेस फ्रीक्स के लिए। तो अगर आपका भाई या बहन एक फिटनेस फ्रीक है तो उनके लिए ये प्रोडक्ट बहुत ही ज़रूरी है और बहुत ही हेल्पफुल है। मी बैंड 4 वन ऑफ द बेस्ट सेलिंग फिटनेस बैंड्स है और ओवरऑल 2,300 रुपये के लिए ये प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है, इसीलिए फिटनेस फ्रीक्स के लिए मैं रिकमेंड करूँगा मी बैंड 4। अब बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स के बारे में जिसे मैं कोई कैटेगरी में डाल नहीं पाया। उसमें से एक ऐसा प्रोडक्ट है जो मेरे हिसाब से बहुत ही कूल प्रोडक्ट है, जो कि है एक इलेक्ट्रॉनिक LCD राइटिंग पैड। तो ये राइटिंग पैड मैग्नेटिक भी होता है, आप आपके फ्रिज पर लगा सकते हो और उस पर नोट्स या तो शॉपिंग लिस्ट या कुछ भी लिख सकते हो और जब वो ख़त्म हो जाए आप उसे फिर से इरेज कर सकते हो। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिक राइटिंग पैड है, मेरे हिसाब से कोई भी गिफ्ट के लिए एक बहुत ही अच्छा और क्रिएटिव गिफ्ट आइडिया है, तो आप डेफिनेटली इसे कंसिडर कर सकते हो। बहुत बात कर लिया भाई, ऑलमोस्ट 20 मिनट हो गए जब से मैं बात कर रहा हूँ, काफ़ी लंबी लिस्ट थी पर मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया लिस्ट थी। आप नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये लिस्ट पसंद आई कि नहीं। अब बात करते हैं उस सरप्राइज़ के बारे में। जो भी वीडियो के ये एंड पार्ट तक रुका है आपको पहले तो बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तक पहुँचे और ये है आपके लिए सरप्राइज़। मैं गिव अवे करने वाला हूँ 1,000 रुपये का अमेज़ॉन का वाउचर ताकि आप आपके भाई या बहन को गिफ्ट दे सकते हो रक्षाबंधन पे। अब इसमें पार्टिसिपेट कैसे करना है, बहुत ही सिंपल है। ये गिव अवे मैं होस्ट करूंगा मेरे इंस्टाग्राम पेज पे, उसका लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो जाइए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, वहाँ पे एक आपको पोस्ट मिलेगा इस वीडियो के बाद, उस पोस्ट पे आपकी बहन या आपके भाई को टैग कीजिए। तो आपके भाई या बहन को टैग करो उस इंस्टाग्राम पोस्ट पे, खुशियाँ फैलाओ और कोई तो एक लकी विनर होगा जिसे 1,000 रुपये का अमेज़ॉन का वाउचर मिल जाएगा। गिव अवे का हिस्सा ज़रूर बनना, इंस्टाग्राम पेज का लिंक मैं दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो एनीवे दैट्स बिन इट, ये था रक्षाबंधन का एक गिफ्ट गाइड, काफ़ी लंबा वीडियो था मुझे पता है। थैंक यू फॉर स्टिकिंग अराउंड टिल द एंड, इफ़ यू आर स्टिल वॉचिंग टिल द एंड, यू गाइज आर ऑसम। अब मैं इंग्लिश में बात कर रहा हूँ, मुझे हिंदी में बात करना है, ऐसे ही होता है। चलो अब जाने का टाइम हो गया है। माय नेम इज हर्ष पंजाबी और मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। एक मिनट।